हाय हेलो नमस्कार, महालक्ष्मी स्टूडियो से आर्यस किचन में प्रेम से आप सभी का स्वागत है। कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक हैं। तो आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं फ्राइड राइस, थोड़े अलग स्टाइल से या फिर जैसे मुझे आता है या जैसे मैं बनाता हूँ। तो चलिए देखते हैं, कम ऑन। तो फ्राइड राइस के लिए ना हमेशा लेफ्ट ओवर राइस जो होता है ना उससे बहुत ही अच्छा बना। अगर आपके पास कल रात का चावल या फिर आप डिनर के लिए बना रहे हैं तो आपके पास दोपहर का चावल बच गया हो तो बहुत ही सही होगा। लेकिन अगर फिर भी आप तुरंत ही बना के तुरंत ही खाना चाहते हैं तो आई वुड से कि चावल को एक घंटे तक गिव इट अ रेस्ट, ठीक है, उसको रूम टेम्परेचर पर आ जाने दीजिए। या फिर आप दो घंटे के लिए एटलीस्ट, पहले एक घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर रख दीजिए, उसके बाद उसको उठा के फ्रिज में रख दीजिए तो बहुत ही अच्छा आएगा वो। तो चलिए मैं आपको जल्दी से इंग्रेडिएंट्स दिखा देता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास है चावल कल रात के, और ये है मेरे पास कल रात के लेफ्ट ओवर चिकन, दो पीस थे तो मैंने उसको बोनलेस कर दिया है। ये दो बीन्स लिए हैं मैंने, छोटा गाजर उसका भी आधा लिया है, लगभग एक बड़ा चम्मच या डेढ़ बड़ा चम्मच बोली। और ये मैंने लिया है स्प्रिंग ऑनियन, ठीक है, ये उसका का भाग है, ये उसके पत्ते हैं, ठीक है। वो जो कांदा है वो मैंने नहीं लिया, वो छोड़ दिया मैंने। दो अंडे ले रहा हूँ लेकिन मैंने पहले तोड़ के रख लिया, ये मैं लास्ट में यूज़ करूँगा तो इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ। और ये अभी डालूँगा शुरुआत में, और नमक और पेपर, अगर आपके पास वाइट पेपर है तो बहुत ही सही है। और मैंने यहाँ पर चाइनीज़ के तीन सॉसेस मिक्स करके रख लिए हैं। सोया सॉस मैंने लिया है डेढ़ चम्मच, और विनीगर लिया है एक चम्मच, और ग्रीन चिली सॉस लिया है एक चम्मच। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप रेड चिली सॉस लें, ज़्यादा बेहतर होता है। केचप नहीं है, वो चाइनीज़ वाला रेड चिली सॉस, ठीक है। और हाँ, मैं यही कहूँगा कि आप मिक्स करके रख लें या अलग अलग भी रख लें, लेकिन रेडी रखें क्योंकि आपको बहुत ही फास्ट और क्विक करना। मैं इसलिए आपको पहले सारे इंग्रेडिएंट्स दिखा रहा हूँ, इसलिए मैंने नमक और पेपर भी निकाल के रख लिया है, सब मैंने रेडी करके रख लिया, बस सीधा थाम थाम धुस, ठीक है। और हमें चाहिए एक चाइनीज कढ़ाई, ये मैं यहाँ पर रख देता हूँ, और इसको पकड़ने के लिए एक कपड़ा अच्छी तरह से फोल्ड करके रेडी करके रख लेता हूँ। ओके, तेल जो है ना, ओह माय गॉड, दो चीज़ तो मैं लेना भूल गया, तो मैं लेके आता हूँ। लहसुन, ये मैंने तीन लहसुन की कलियाँ ली हैं, उसको मैंने एकदम बारीक चॉप कर लिया। और मैंने दो हरी मिर्च लिए हैं, उनको भी चॉप कर लिया, लेकिन हरी मिर्च ऑप्शनल है, मैं डालता हूँ क्योंकि मुझे तीखा पसंद है। कढ़ाई धीरे धीरे गर्म हो रहा है तो इसमें ना तेल ले लेते हैं, और तेल है ना, तेल इतना लीजिए कि वो पूरा कढ़ाई को कवर कर दे। देखिए स्मोक आना शुरू हो रहा है ना, और मैं क्या करूँगा को अच्छे से इस तेल को फैला लेते हैं, और जो एक्सेस तेल है ना उसको मैं निकाल दूंगा कढ़ाई से। अच्छी तरह से स्प्रेड हो गया, अब इसको निकाल लेते हैं। गैस को थोड़ा स्लो कर लेता हूँ, ठीक है, ज़्यादा गर्म ना हो जाए। तो अब शुरू करते हैं, आप है ना मेरे साथ, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं डाल दूंगा अंडे को, गैस फास्ट कर लेते, फिर से डाल देंगे ये लहसुन और हरी मिर्च, सौते कर लेना है। अब डाल देते हैं ये सब्जियां, अब डाल देते हैं चिकन, ये चावल डाल देता हूं, ये सॉस, और अच्छे से मिक्स डाल देता हूँ मैं नमक और ब्लैक पेपर,
तैयार हमारा फ्राइड राइस। थोड़ा सा बचा हुआ ये डाल देते हैं। ये तो मैंने सर्व कर दिया है लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ। कढ़ाई वैसे तो गर्म ही है जी। हाँ, इसका हम कर लेंगे हाफ फ्राई सनी साइड अप। ये मैं डाल देता हूँ इसमें। ओके, नाइस। कितना मुश्किल है कैमरा के साथ काम करना। नाइस। अगर आपको ये हाफ फ्राई या सनी साइड अप पसंद नहीं करते हैं तो मत लीजिए, मगर अगर आप पसंद करते हैं ना बॉस, डेफिनेटली लीजिए। बहुत बहुत हार्ड, बहुत हार्ड। आई एम सो सॉरी, हमेशा खाते खाते बात करता हूँ। तो अब क्या करें, अब वो क्या करना है आपको पता है। लाइक कमेंट एंड शेयर, पसंद आया तो, नहीं पसंद आया तो कमेंट कीजिए, बोलिए क्या पसंद नहीं आया। और बस घर पे रहिए, लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया, आर्या से और महालक्ष्मी से मिलने का, और ये जो वक्त लंबा हो गया, तो घर पे रहिए, ऐसे वीडियोस देखते रहिए। आप लोग भी वीडियोस बनाइए, आप लोग भी डालिए, ठीक है। चलिए, बाय बाय।